हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की क्लास में हम यूजीसी नेट 2022 का पेपर सॉल्व करेंगे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ये क्वेश्चन पेपर आपका यूनिट वाइज सॉल्व होगा, क्योंकि मैंने फील किया है बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है कि वो क्वेश्चन नहीं समझ पाते कि क्वेश्चन किस यूनिट से आ रहा है। सो हम इसको यूनिट वाइज सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में हम फूड एंड न्यूट्रिशन के क्वेश्चन देखेंगे जो आपके पेपर में आए हुए हैं। सो क्वेश्चन नंबर वन इज, इन द सीरीज ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे द मोस्ट रिसेंट 2019 to 2020। सो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, NFHS, जो अभी इस सीरीज की लेटेस्ट आया है वो कौन से नंबर की रिपोर्ट है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सो पहले हम इसका ब्रीफ देख लेते हैं। जो 2019-20 की है ये फिफ्थ, इस सीरीज का फिफ्थ वर्जन है। इसके पहले इसकी चार सीरीज आ चुकी हैं। सबसे फर्स्ट आपका 1992 से 1993 में आई थी, फिर देन आपकी सेकंड 1998 से 99 में, थर्ड 2006 में एंड फोर्थ 15-16 में आई थी, और ये लेटेस्ट 2019-20 में आई है। ये हमें इंडिया के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का पॉपुलेशन हेल्थ और न्यूट्रिशन का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ये पांचों की पांचों सीरीज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर कंडक्ट हुई है सर्वे ये। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्वेश्चन आया कैसे। जो अभी आपका लेटेस्ट RDA आया है 2020 का, वो इसी सर्वे के बेस पर आया है। अगर आपने RDA देखा होगा, रिपोर्ट को देखा होगा, तो वहां पे आपने इसका नाम जरूर देखा होगा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS। 2019-20 का जो सर्वे हुआ है इसी के बेस पर आपका RDA फॉर्म हुआ है। क्लियर? अब आपको समझ में आएगा क्वेश्चन आ कहां से रहा है। तो जो आपकी करंट में जो चीजें चल रही हैं, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हो, तो आपको करंट की भी चीजों को, सिनेरियो को देखना है, चाहे वो टेक्सटाइल से रिलेटेड हो, चाहे न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो, चाहे भी किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो आपकी पांचों ब्रांचेस में से। तो आपको करंट को भी ध्यान में रखना है, चीजें जो इस समय चल रही है। सो इसका आंसर आपका क्या होगा, NFHS 5। अभी तक 5 सीरीज आई है इसकी। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर लीड्स टू मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया। तो ये क्लियर है कि इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से एनीमिया हो रहा है, और किस न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से है, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में पहले देख लेते हैं उसका एक्सप्लेनेशन। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है, अ स्पेशल प्रोटीन है विच बाइंड्स B12 सो दैट इट कैन एब्सॉर्ब इन इंटेस्टाइन। इंट्रिंसिक फैक्टर B12 को बाइंड करती है, जिससे कि इसका एब्जॉर्प्शन में हेल्प होती है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से या इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से पर्निशियस एनीमिया होता है। विटामिन B12 के सोर्स क्या है, मीट, पोल्ट्री, सेलफिश, एग एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। तो आपसे ये क्वेश्चन कई तरीके से फ्रेम हो सकता है। अब एक बार इसको देखते हैं हम। डेफिशिएंसी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर लीड्स टू, ये आपको क्लियर हो गया पर्निशियस एनीमिया हुआ। कैसे ये इंट्रिंसिक फैक्टर हेल्प कर रहा है, ये B12 को एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहा है। B12 की डेफिशिएंसी से भी पर्निशियस एनीमिया होगा और इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से भी पर्निशियस एनीमिया होगा। क्लियर? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया फोलेट यानी कि फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया आयरन डेफिशिएंसी से, सिकल सेल एनीमिया जिंक डेफिशिएंसी से। तो ये क्वेश्चन आपसे कई तरीके से फ्रेम हो सकता है, एजर्शन रीजन में भी आ सकता है, इंट्रिंसिक फैक्टर और विटामिन B12 का क्या रिलेशन है, ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है। तो ये आप पूरा नोट इसको कर लीजिएगा, इस पूरे क्वेश्चन को आपको एक एक ऑप्शन को नोट करके रखना है, इंपॉर्टेंट है। सो आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर आपको कुछ डाउट्स है, नहीं क्लियर है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय द ऑक्सीजन कंज्यूम बाय द बॉडी इन मेटाबॉल बोलाइजिंग द डाइट्री इनटेक इज नोन एज। तो इसको पहले हम डिटेल में देख लेते हैं क्या है। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो, इसको बोलते हैं RER। ये क्या है, रेशियो है किसके बीच में, CO2 रिलीज्ड एंड द ऑक्सीजन कंज्यूम, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का जितना वॉल्यूम हम रिलीज कर रहे हैं और ऑक्सीजन कितना कंज्यूम हो रहा है किसी भी न्यूट्रिएंट के मेटाबॉलिज्म में। तो ये क्या होता है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द बॉडी
डिवाइडेड बाय द ऑक्सीजन कंज्यूम्ड. हम ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, CO2 प्रोड्यूस करते हैं, इसी का जो रेशियो है वो क्या, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो. रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो, क्लियर? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट, अ फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनेयर जनरली कंसिस्ट ऑफ. फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनेयर क्या है, हम जब कोई सर्वे करते हैं, डाइटरी सर्वे कर रहे हैं, तो हम फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनेयर बनाते हैं. कितना फूड कौन से ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे फूड को, एक्सचेंज लिस्ट बनाएंगे, कितना कंजम्पशन सीरियल का है, कितना पल्सेस का, कितना मिल्क का, इस तरीके से हम. तो क्या है, अ लिस्ट ऑफ रैंडम फ्रीक्वेंसीज एंड फूड प्रोडक्शन रिस्पॉन्स कैटेगरी. हम क्या देख रहे हैं, रैंडम फ्रीक्वेंसी नहीं देख रहे हैं, फूड प्रोडक्शन का नहीं है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन का भी नहीं है, फूड बाइंग का भी नहीं है, ये तीनों नहीं है. क्या है ये, अ लिस्ट ऑफ फूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज, कंजम्पशन को हम देख रहे हैं, कंजम्पशन रिस्पॉन्स, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन और बाइंग, ये तीनों हम नहीं देख रहे हैं. हम कोई भी सर्वे करते हैं, न्यूट्रिशन सर्वे, तो हम कंजम्पशन को देख रहे हैं कि कितना कंजम्प किया है. किसी भी हम विलेज का सर्वे देख रहे हैं, किसी घर का सर्वे देख रहे हैं, किसी पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग का भी सर्वे देख सकते हैं. तो इसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनती हैं, या फिर हम डाइटरी सर्वे कर रहे हैं, तो इन सब में होगा. तो आपका ऑप्शन क्या हुआ, डी इज करेक्ट. क्लियर? नेक्स्ट, इफ हाइट ऑफ एन एडल्ट वुमेन इज 150 सेंटीमीटर, आइडियल वेट एज कैलकुलेटेड बाय ब्रोकास इंडेक्स विल बी. अब ब्रोकास इंडेक्स क्या है, जब हम न्यूट्रिशनल असेसमेंट करते हैं तो एक इजी मेथड है ब्रोकास इंडेक्स. ब्रोकास इंडेक्स इज एन इंडेक्स फॉर असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ एडल्ट का. ये कोरिलेट्स है बॉडी मास इंडेक्स और वेट पर हाइट से. ब्रोकास इंडेक्स को आइडियल बॉडी वेट भी बोलते हैं, केजी में होता है. हाइट सेंटीमीटर्स में माइनस 100. हमें इसको कैसे निकालना, मतलब कि हम आइडियल बॉडी वेट निकालें किसी भी हम एडल्ट का, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, हम इसका आइडियल बॉडी वेट निकाल रहे हैं. इसके लिए हमें हाइट रखनी है सेंटीमीटर में, उसको 100 से माइनस कर देना है. तो यहाँ पे क्या दिया है, हाइट आपकी 150 सेंटीमीटर. तो हमें क्या करना है, सेंटीमीटर में है 150 सेंटीमीटर माइनस 100. तो आपका आंसर क्या आ गया, ये 150 में से आप इसको माइनस करेंगे 100, तो 50 आ गया. इसकी यूनिट मैंने क्या बताई आपको, केजी. अब एग्जाम में ये तो यहां पर सीधा क्वेश्चन पूछ लिया है, पर कई बार आपको डायरेक्ट सेंटीमीटर नहीं देंगे, ये फीट में दे देंगे, इंचेस में दे देंगे, तो वहां पे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा. क्लियर? तो यहां पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट. ब्रोकास इंडेक्स, इससे हम आइडियल बॉडी वेट निकालते हैं. इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 100. क्लियर? नेक्स्ट, इफ एन ओनर ऑफ फूड सर्विस यूनिट टेक्स अ मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच बट फॉल्स शॉर्ट ऑन कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, द टर्म दैट बेस्ट डिस्क्राइब दिस अप्रोच इज. अभी कौन सा अप्रोच हुआ, कोई फूड सर्विस यूनिट है, इसका ओनर क्या कर रहा है, मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच इसको फॉलो कर रहा है, बट वो कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहा है, चीजों को कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा है, एक साथ चीजों को लेकर नहीं चल पा रहा है. तो ये कैसा अप्रोच हो गया इसका, ये शॉटगन अप्रोच होगा. जैसे शॉटगन में क्या होता है, आपके बहुत सारे छल्ले निकलते हैं, हम कहीं टारगेट कर रहे हैं, बहुत सारे छल्ले निकलते हैं, तो हम चीजों को कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, एक साथ नहीं चीजों को कर पा रहे हैं. ठीक है, हम बहुत सारी हमने उसने उसको साउथ इंडियन भी उसने रख लिया, चाइनीज भी रख लिया, सब चीजें, पर चीजों को कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है. वो पर्टिकुलर एज ग्रुप को किसी कॉलेज में है, तो कॉलेज के बच्चों का कैसा उनका टेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग उसको डिशेज रखनी पड़ेंगी फूड सर्विस में. अब वो चीजों को मल्टी डायरेक्शन सब कुछ उसने अपने सिस्टम में रख लिया, तो आपको पर्टिकुलर एज ग्रुप को देख के रखना है. किसी स्कूल की कैंटीन है तो वहां पे क्या करना है, कोई होटल पॉश एरिया में वहां पे आपको कैसा चीजें रखनी पड़ेंगी, तो ये आपको उस पर फॉलो करना पड़ेगा. तो ये क्या हो गया, शॉर्टकट अप्रोच. क्लियर? नेक्स्ट, द माइक्रोबायोलॉजिकल एंटिटी मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज अ इंडिकेटर ऑफ पैथोजेंस इन वाटर, अ प्रैक्टिस दैट हैज बीन एक्सटेंडेड टू फूड इज. हम किसको यूज करते हैं,
अगर हमें पैथोजन एज अ इंडिकेटर यूज करना है वाटर में, तो हम कोलीफॉर्म ई कोलाई का टेस्ट करते हैं ना, एस्ट्रेकिया कोलाई, ई कोलाई को हम पैथोजन एज अ इंडिकेटर हम इसको चेक करते हैं वाटर में कि अगर प्रेजेंट है मीन्स कि हमारा ये पैथोजन इसमें प्रेजेंट है. क्लियर? सो ए इज करेक्ट. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. अब कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन से आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राइबोस मोनोसेक्राइड है, सुक्रोज डाइसेक्राइड है, इन्यूलिन ऑलिगोसेक्राइड है. तो पहले हम इसका क्लासिफिकेशन एक बार आपको बता देते हैं. अभी हम डिटेल में नहीं करेंगे जितना आपके यहाँ पे नीड है उतना, क्योंकि अदरवाइज लेक्चर बहुत बड़ा होता जाएगा. अब हम कार्बोहाइड्रेट क्लासीफाई करेंगे तो मोनोसेक्राइड में करते हैं, डाइसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड. मोनोसेक्राइड आपका ये थ्री कार्बन के अकॉर्डिंग होता है, 4, 5, 6, 7 ऐसे फर्दर डिवाइड होता है अगर, पर ये एक ही यूनिट है, सिंगल यूनिट है. मोनोसेक्राइड मतलब सिर्फ वन यूनिट है, डाइसेक्राइड मतलब टू मोनोसेक्राइड्स की यूनिट है, और टू से अबव है ऑलिगोसेक्राइड हो गया. टू से मतलब 3 to 10 ऑलिगोसेक्राइड में आएगा, अबव 10 यूनिट्स है तो पॉलीसेक्राइड्स में आएगा. तो मोनोसेक्राइड्स में आपके पेंटोजेस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मतलब इसमें 5 कार्बन हैं, राइबोज, राइबुलोज, जाइलोज, जाइलुलोज. फिर हेक्सोजेस मतलब 6 कार्बन यूनिट्स हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज. देन डाइसेक्राइड मतलब 2 मोनोसेक्राइड की यूनिट्स जुड़ी हैं, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज. ऑलिगोसेक्राइड 3 to 10 यूनिट्स हैं, माल्टोट्रायोज, रेफिनोज, फ्रक्टो ऑलिगोसेक्राइड्स, गैलेक्टो ऑलिगोसेक्राइड्स, देन पॉलीसेक्राइड, स्टार्च, डेक्सट्रिन्स, ग्लाइकोजन, सेलुलोज एंड इन्यूलिन. अब हम आपको क्वेश्चन पे आते हैं. राइबोस क्या है? मोनोसेक्राइड है, अभी हमने पढ़ा इसको. सुक्रोज डाइसेक्राइड है, ये भी हमने अभी पढ़ा. इन्यूलिन क्या है? ये पॉलीसेक्राइड है ना, तो ये नहीं होगा आपका. माल्टोट्रायोज क्या है? ऑलिगोसेक्राइड है, ये भी हमने पढ़ा. राइबुलोज क्या है? ये मोनोसेक्राइड है, तो ये भी नहीं होगा. अब आप यहां से भी देख सकते हैं ऑप्शन में अपना ए बी और डी. ए बी देखिए, अगर आपको पूरा नहीं भी पता है, ए बी देखिए, सी तो हमारा है ही नहीं, इन्यूलिन तो पॉलीसेक्राइड है, तो जहां जहां सी है आप उसको काट दीजिए. ये सी है, ये सी है, ये सी है, तो हमारा क्या बचा? ये ए बी डी. ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई एक पॉइंट को पकड़ लिए वहां से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे. क्लियर? तो बी इज करेक्ट. आप इस टेबल को अपना कॉपी में बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, इक्विपमेंट कॉमनली यूज्ड इन न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोमेट्री इंक्लूड. न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोमेट्री टेस्ट कर रहे हैं तो कौन से इक्विपमेंट्स यूज होंगे इसमें? सॉल्टर स्केल, बॉडी कॉम्पोजिशन एनालाइजर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, बॉम कैलोरीमीटर और प्रिसीजन कैलिपर. तो आपने ये पता ही है हमको, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हम ऑप्टिकल डेंसिटी मेजर करते हैं, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ये काम करता है, तो ये आपका नहीं है. बॉम कैलोरीमीटर ये भी नहीं होगा, ये कैलोरीफिक वैल्यू हम से जज करते हैं फूड की, तो ये भी नहीं होगा. बचा आपके ये 3, इसको हम आपको एक बार दिखा देते हैं. तो आपका ए बी और ई, ए बी ई, ये बार आपका करेक्ट है. एक बार आप इसको ध्यान में रखिएगा, पिक्चर देखकर आपको चीजें याद रहेंगी. सॉल्टर स्केल ये वेइंग बैलेंस है, बच्चों का वेट चेक करने के लिए. बॉडी कॉम्पोजिशन एनालाइजर हो गया और ये प्रिसीजन कैलिपर हो गया. स्किन फोल्ड वगैरह इससे मेजर होता है. क्लियर? नेक्स्ट, हाइपरग्लाइसीमिया मे बी कॉज्ड बाय. हाइपरग्लाइसीमिया क्या है? हाइपर मींस इंक्रीज, ग्लाइसीमिया ग्लूकोज का लेवल, ईमिया मतलब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होना मींस हाइपरग्लाइसीमिया. क्लियर? अब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कैसे इंक्रीज होगा? टू लिटिल ग्लूकेगॉन, टू लिटिल इंसुलिन, मींस कि इन दोनों में से एक ही होगा, क्योंकि ग्लूकेगॉन और इंसुलिन एंटागोनिस्ट है, इन दोनों का काम ऑपोजिट है. इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रखता है, मींस कि अगर ये कम हो गया तभी तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है ना, तो ये करेक्ट हो गया. इंसुलिन का रेजिस्टेंस है, ये करेक्ट हो गया. इंक्रीज फूड इंटेक डिक्रीज, या तो इंक्रीज हो गया या तो डिक्रीज हो गया, एक ही होगा इसमें से भी, तो इंक्रीज फूड इंटेक से. तो आपका क्या होगा? बी सी डी, बी सी डी. क्लियर? तो आपको क्वेश्चन कैसे पकड़ना है, ऑप्शन से जाके पकड़ना है. क्लियर? तो बी इज करेक्ट. नेक्स्ट, एयर इज द मीडियम ऑफ कुकिंग इन दीज कुकिंग मेथड. एयर की बात हो रही है, आपको एयर पकड़ना है वर्ड.
तो स्टूइंग में क्या हो गया, आपका वाटर यूज होता है ना, सॉटिंग में आपका फैट यूज हो रहा है, फिर ग्रिलिंग रोस्टिंग बेकिंग ये आपका एयर मीडियम यूज हो रहा है, ग्रिलिंग रोस्टिंग और बेकिंग, ना इसमें वाटर यूज होता है ना इसमें फैट यूज होता है, तो सी डी ई ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर कैसे हमें पकड़ना है ऑप्शन से? अब आपको मैं ट्रिक समझा रही हूँ, मैं आपको संग अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि कैसे आपको क्वेश्चन को हैंडल करना है। क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल, बस आपको देखकर आप थोड़ा परेशान हो जाते हो कि कहाँ से आ गया क्या आ गया, बस आपको हैंडल करना है, ऑप्शन से जाके क्वेश्चन को हैंडल करना है। अब इस क्वेश्चन को देख के बच्चे दम बाउंस मार देगा कि अरे आरडीए कैसे लर्न करें, आरडीए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, कैल्शियम मैग्नीशियम आयरन जिंक। अब आपको वैल्यू चारों अलग अलग दी है और काफी ज्यादा डिफरेंस है इनकी रेंजेस में। अब आपको दिमाग कैसे लगाना है, कैल्शियम सबसे ज्यादा इसमें से क्या होगा, कैल्शियम होगा ना, सबसे ज्यादा कैल्शियम होगा, तो कैल्शियम सबसे ज्यादा यूनिट इसी की है। अब इन चारों में सबसे कम क्या होगा, अगर हम वैसे बोले तो जिंक होगा सबसे कम, तो सबसे कम क्या है, ये है आपका फर्स्ट नंबर। हम कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, मैं आपको ये समझा रही हूँ। फिर आपका ए का क्या हो गया, सेकंड, ए का सेकंड ये है डी ऑप्शन में, ये थोड़ा सा नीचे का कट गया है, ए का सेकंड। अब हमने बोला डी का वन इसमें है, ये आपका सही हो गया। अब उसके बाद क्या हो गया, मैग्नीशियम और आयरन में, आयरन की वैल्यू हमें पता है 28, 30, 35 इसी रेंज में रहती है, 28, 30, 35, तो इसमें से आयरन आपका क्या है, इसमें आ रहा है फोर्थ में, सी का फोर्थ और बी का थर्ड। क्लियर कैसे आपको सॉल्व करना है, चलो इसमें से कैल्शियम होगा, सबसे कम जिंक होगा, आयरन की रेंज हमें पता ही है इसी अराउंड होती है, फिर आपका मैग्नीशियम हो गया 340 mg, क्लियर, आयरन हो गया 1050, मैग्नीशियम हो गया 340, आयरन हो गया 30 mg और जिंक हो गया 14.2 mg। क्लियर गर्ल्स का दिया हुआ है, तो आपको कैसे, यूजीसी नेट ऐसा क्वेश्चन नहीं बना रहा कि बच्चे सॉल्व ही ना कर पाए, वो आपको ये नहीं चाहता कि आप सॉल्व ना कर पाओ, वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देख रहा है। ठीक है, आप पेपर सॉल्व करके नेट क्वालिफाई करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हो, तो आपको आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या काम कर रहा है उस जगह पे, ये चीज चेक हो रहा है आपका। क्लियर, आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैं आपको ये ट्रिक बता रही हूँ। डे इज करेक्ट, आई होप कि आपको समझ में आई क्वेश्चन को हमें कैसे पकड़ना है। नेक्स्ट, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, योगर्ट क्या है, कितना टीवी में ऐड आता है, याकुल्ट का योगर्ट है ना, ये सब आता है, प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक ये सब ऐड कितने आते हैं टीवी में, तो योगर्ट क्या है आपका, प्रोबायोटिक। टोकोफेरॉल विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट फ्लेवर इनहेंसर है, इसको MSG बोलते हैं, ट्रिप्सिन इनहिबिटर क्या है, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है ट्रिप्सिन इनहिबिटर ना, ए का थ्री इन दोनों में है ए का थ्री। अब बी का थर्ड और ए का थ्री बी का फर्स्ट ये आपका यहां से हो गया, ये बस ना, सी इज करेक्ट। क्लियर, नेक्स्ट, पुट इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड विथ हाईएस्ट टू लोएस्ट आयरन कंटेंट, यहाँ पर 10 ग्राम है, मे बी पर 100 ग्राम ही हम लोग वैल्यू देखते, हो सकता है मिस प्रिंट होगा या जो भी वैल्यू तो उसी रेंज में आएगी, चाहे हम 10 से निकालें चाहे हम 100 ग्राम पे निकालें। तो हम आपको एक बार पूरा न्यूट्रिटिव वैल्यूज का दे देते हैं, ऐसा फटीटा क्या होता है, हींग में कितना है, अराउंड 40, फिर सोयाबीन में है 10 mg में, बाजरा 8, एलमंड्स 5 और सबसे कम है स्पिनच में, बस इसी पे आप जाके हम आंसर को लगा लिएगा। तो हमारा सबसे पहले क्या है, ई, देन आपका सोयाबीन, देन सोयाबीन मतलब कि आपका बी ऑप्शन ई बी, देन बाजरा ए, फिर डी एलमंड सबसे कम स्पिनच में, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर, इसको आप कॉपी में नोट कर लिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अरेंज द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस इन करेक्ट सीक्वेंस, तो हम पहले न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस के स्टेप्स आपको एक बार बता देते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। न्यूट्रिशन केयर क्या है,
मतलब कि हमें पेशेंट को एप्रोप्रिएट फूड प्रोवाइड करना है, हम उसको एसेस करेंगे ना, उसका क्या प्रॉब्लम है एसेस करेंगे, डायग्नोस करेंगे, सब चीज़ों को देखेंगे, मॉनिटर करेंगे, देन हम उसके अकॉर्डिंग उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। अब किसी भी फॉर्म में न्यूट्रिशन हो सकता है आपका, एंट्रल, पेरेंट्रल, नेजोगैस्ट्रिक, किसी भी फॉर्म में हम दे सकते हैं न्यूट्रिशन उसको, जो नहीं कि हम उसको रोटी दाल चावल फूड के एकदम खाने के प्रॉपर फॉर्म में दें, वो आपके सारे एलिमेंट्स के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके स्टेप्स क्या हैं, चार इसके मेन स्टेप्स हैं, असेसमेंट, डायग्नोसिस, इंटरवेंशन, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन। सबसे पहले हम एसेस करते हैं न्यूट्रिशनल हेल्थ स्टेटस को, हम एसेस कर रहे हैं, देन जो हमें डेटा मिलेगा उसको इंटरप्रेट करेंगे, दिस इज डायग्नोसिस, ठीक है। आपने अक्सर जो आपको रिपोर्ट्स मिलती हैं उसमें आपने डायग्नोसिस देखा होगा, लिखा रहता है, तो उसको इंटरप्रेट करते हैं डेटा को, जो भी आई वैल्यूज आप मारी आई, हीमोग्लोबिन इतना है, इतना रेंजेस में है, यूरिया, क्रिएटिनिन, तो उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन होता है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो दिस इज डायग्नोसिस। अब उस डायग्नोसिस के बेस पे हम प्लान करेंगे, एक्शन बनाएंगे कि हमें आगे क्या करना है ना, तो इंटरवेंशन, फिर बाद में हम अपने मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ प्लान, उसको प्लान को मॉनिटर करेंगे, सबसे पहले असेसमेंट, देन डायग्नोसिस, फिर इंटरवेंशन, देन मॉनिटर। सो सबसे पहले आपका क्या हो गया, असेसमेंट, फिर आपका क्या हो गया, असेसमेंट हमने किया, उसके बाद उसको डायग्नोसिस किया, फिर हमने उसको इंटरवेंशन किया, और फिर हमने उसको मॉनिटर किया। यही चार स्टेप हमने अभी पढ़े हैं, सी सी, उसके बाद आपका ए, देन डी, देन आपका बी। बस आपका क्या बच रहा है, ई। अब हम देखते हैं सी ए डी बी कहां पे है, सी ए बी डी है, सी ए डी बी यहाँ पे हमें मिल रहा है, और कहीं हमें नहीं मिल रहा है। ई क्या है, स्क्रीनिंग। अब सबसे पहले कोई भी चीज हो, सबसे पहले उसको स्क्रीनिंग करेंगे। आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर पहले आपको स्क्रीनिंग करेगा ना, आपके नेल्स चेक करेगा, टंग कहता है, आंख देखता है, पूरी आपकी बॉडी में कहाँ दर्द हो रहा है, क्या है, स्क्रीनिंग करता है। स्क्रीनिंग के बाद फिर वो टेस्ट लिखता है, आपको एसेस कर रहा है, फिर आपके पूरे चेक होता है, बायोकेमिकल लेवल पे कैसे भी आपका चेक हुआ, फिर एसेस हो गया, फिर हमने उसको डायग्नोस किया, डायग्नोस किया, उसके लिए कुछ प्लान किया, एक्शन की, क्या ट्रीटमेंट देना है, वो इंटरवेंशन हो गया, फिर देन हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं। ये चार स्टेप है, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनिंग लगा लिए आप इसमें, क्लियर। सो बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड सेकंड रीजन, असर्शन और रीजन का है क्वेश्चन, ठीक है। एजर्शन क्या है, पावर्टी इज अ बेसिक कॉज ऑफ अंडर न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रेन, बहुत बड़ा रीजन है पावर्टी अंडर न्यूट्रिशन का, फूड ही नहीं मिल रहा है तो अंडर न्यूट्रिशन हो ही गया, अगर प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, बैलेंस डाइट नहीं मिल रही है, तो ऑब्वियसली बात है अंडर न्यूट्रिशन में हम जाएंगे, क्लियर। तो एजर्शन इज करेक्ट। रीजन क्या दिया है, पावर्टी कॉन्ट्रीब्यूट टू अंडर न्यूट्रिशन बाय एडवर्सली इन्फ्लुएंसिंग फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। पावर्टी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है अंडर न्यूट्रिशन को बाय इन्फ्लुएंसिंग फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। हाउसिंग एंड लिविंग एनवायरमेंट विद इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, तो पावर्टी सब चीजों को इन्फ्लुएंस कर ही रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब तरीके से कर ही रहा है इन्फ्लुएंस, हमारे हाउसिंग, लिविंग कंडीशन, इन्फेक्शन ना, फूड का, फूड हमें कितना मिल रहा है, ये सब चीजें पावर्टी से इन्फ्लुएंस हो रही है। तो एजर्शन भी सही है हमारा, रीजन भी सही है, बोथ आर करेक्ट, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्लियर। ए इसका आपका आंसर क्या होगा, ये एजर्शन भी हमारा सही है, पावर्टी ही इन्फ्लुएंस कर रही है सब चीजों को, फूड को, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को, हाउसिंग को, हमारे लिविंग एनवायरमेंट को, हर चीज को पावर्टी भी डिसाइड करेगी, ठीक है। जब हम सब चीजों की सुविधा नहीं है तो हमें कहां से होगा, फूड ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, फूड ही नहीं है, तो हम कहां से चीजों को, न रहने का एनवायरमेंट हमारा अच्छा है, गंदगी है, तो ऑब्वियसली बात है बीमारी होगी, सब चीजें होंगी, अंडर न्यूट्रिशन होगा, क्लियर। सो ए इज करेक्ट, तो
आज हमने फूड एंड न्यूट्रिशन के आपके जो भी जितने भी क्वेश्चन आए थे इस पेपर में, टोटल 16 क्वेश्चन आए थे, इसको हमने सॉल्व किया है. नेक्स्ट पार्ट में हम अदर यूनिट्स में से हम मे बी टेक्सटाइल से अब सॉल्व करेंगे. तो आप मेकिंग चैनल पे बने रहिए. अगर आपको क्लास पसंद आई हो लाइक करिए, अपने दोस्तों के संग भी शेयर करिए, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे के पार्ट को कंटिन्यू करेंगे. अगर आपको पसंद आ रही है क्लास तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम लोग ये आपको तरीका सही लग रहा है सॉल्व करने का, तो वैसे ही सॉल्व करेंगे, अदरवाइज हम फुल पेपर सॉल्व करते हैं. ओके, सो आप जल्दी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए. आपके एग्जाम अभी आपका एग्जाम ये लास्ट तक हो ही जाएगा, फिर लास्ट या मार्च के स्टार्टिंग में, तो आपको इस तरीके से बहुत हेल्प करेगा ये. आई होप आपके लिए बेनिफिशियल निकले. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय, गुड डे.